हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज आया हूँ मैं अपने इष्ट के मंदिर में काचिंदूरा, और आज है दशहरा। और आज के दिन जो नवरात्रि बैठते हैं वो उठेंगे। और नवरात्रि में हमारे यहाँ मंदिर में फर्स्ट दिन से 9 दिन पूरे दिन और रात यहीं रहते हैं जो नवरात्रि बैठे रहते हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ आज का प्रोग्राम। आज होना है यज्ञ और गोदान, तो आप लोग ऐसी बने रहिए साथ में। कल नाइट में भजन करते हुए सांप आ गया था मंदिर में, उसकी क्लिप मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो हमारे दादा खटी माँ से आए हुए हैं और यहाँ नवरात्रि बैठे थे पूरे 9 दिन। तो दादा आपको कैसा लगा यहाँ बैठ के? बहुत बढ़िया, फुल आनंद, फुल आनंद एकदम, भक्ति भक्ति बहुत बढ़िया लगा। एकांत जगह इष्ट का मंदिर, और क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मैं इष्ट की कृपा करें तो मैं हर साल आता रहूँ। तो खटी माँ से आज नवरात्रि बैठने के लिए स्पेशल आए थे ना आप? नवरात्रि स्पेशल आए थे। तो दादा को यहाँ सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और दादा अब यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं 9 दिन, अब जाएंगे खटी माँ। तो हमारे इष्ट का आशीर्वाद ऐसा ही बने रहे। गुरु जी क्या बन रहा है यार? प्रसाद बना रहे भोग लगेगा इसका भी मंदिर में। तो ताऊ जी आपको कैसा लगा फिर यहाँ इतने दिन? यार बाबा मजा आ गया यहाँ तो ना, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ। यहाँ आने के मैं तो ये कह रहा हूँ नवरात्रि 12 साल की होनी चाहिए ना, जिससे मतलब जो है आदमी मस्त हो जाए बस। जी बात। तो ये हमारे गुरुजी, गुरुजी बना रहे हैं अभी प्रसाद। और गुरुजी आपको कैसा लगा फिर यहाँ इतने दिन में? बहुत ही मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसी शांति की अनुभूति हुई। मतलब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो गुरु जी बढ़िया से बना रहे हैं इसमें प्रसाद। तो कैसा लगा फिर आप लोगों को यहाँ इतने दिन? बढ़िया ढंग से कटे आज, बिल्कुल सुख शांति रखे हर परिवार को, बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छी तरह से कटे दिन। नवरात्रि के समय में हमें मतलब कि पता नहीं चला कि दिन कैसे पूरी हुई।
तो आज कैसा लग रहा है फिर आपको? आज बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। लक्की देवता हमारे लिए खुश रहे, ये हमारे लिए बहुत शुभकामनाएं है इस दिन की। तो ये जग्गू भाई है, जग्गू भाई यहाँ पे क्या बना रहे हो? अरे आप घर के लिए तैयारी हो रही है, नवरात्रि पूरी होगी। अच्छा बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लगा, सबको फुले फुले सबके घर में हरियाली लाई। काशी देवता हमारा 9 दिन 10 दिन की तपस्या की हमने, बहुत बढ़िया हुआ। अब घर के लिए हम थोड़ी आए 1 घंटे के बाद घर में चले जाएंगे। अच्छा जय काशी देवता की जय। दादा हो गई थी यार आपकी, दादा ने कर दिया यहाँ पे बैग तैयार। आप कितने साल बाद आए आज यहाँ? मैं लगभग 30-35 साल बाद आया हूँ। 30-35 साल, वाह। आप खटीवाई रहते हैं? मैं खटीवाई। तो कैसा लगा आपकी 30-35 साल बाद यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा इधर आके, पुरानी याद ताजा। बहुत बढ़िया, पहले की तो याद ही नहीं है। काफी लंबा टाइम हो गया। लंबा टाइम। तो आपने कैसे सोचा है यहाँ नवरात्रि बैठने का? इस साल इससे अपना मूल स्थान पर मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे मुझे स्टेट में दरबार में बुलाए बुलाए बुलाए। तो लगभग लगभग 4-5 महीने से मैं लहसुन प्याज क्या किया था, मैंने क्या पता इसमें मुझे बुला लेंगे अपने दरबार में। अच्छा कृपा हुई, बुला लिया उन्होंने। आज इष्टदेव काशी का हुक्म होगा आपको बुलाने का। हाँ, आपकी मनोकामना भी ऐसी पूरी करे। जय हो, जय हो, कृष्ण की कृपा हो वैसे भी। दिनों में एक लक्की ऐसा था जो रोज गांव से दूध सबके घर से कलेक्ट करके मंदिर में पहुंचाता था। और तो आपकी भक्ति को भी भगवान आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे और आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। एक दो महीने में और क्या कहना चाहेंगे आप? बस बाकी कुछ नहीं कहना है मैंने। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। और ये मन्ना ये भी बैठा था, तो कैसा लगा फिर आपको, क्या कहना चाहेंगे बताओ? बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आपको भी भगवान जल्दी से जल्दी एक नौकरी दे अच्छी सी, और आपकी मनोकामना जो आपने मांगा है वो पूरी करे। ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ रह के इतने दिन? यहाँ बहुत बढ़िया मिला, काफ़ी भक्ति। अच्छा, तो जितने भी सयाने लोग हैं उनके साथ एक यही था बच्चा जो यहाँ रुका था, सब लोग यही बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा बच्चा है और इसने मतलब काफ़ी सीधा लड़का भी है और इसने ही यहाँ सबकी हेल्प की जितने भी सयाने लोग थे उनकी। और इतने दिनों में एक ही दम्मा बजाना नहीं सीख पाए, बाकी सब चीज़ आए इसमें, अंदर आए थोड़ा बहुत बर्तन धोए इसने, काम किया सेंडर में पानी भर रखे, खीर बनाना भी सीखे, चीनी कम डालना, और इसने दम्मा बजाना नहीं सीखा। एक
चीनी कितनी डालते हैं? चीनी कहाँ से डालने वाला है, खीर में चीनी कम होती है, अभी भी रखा भाई इतने किलोमीटर में। ये नमक तो नहीं डालते? नमक तो नहीं, एक दिन पेट्रोल के जार में खीर दूध लेके आ रखा भाई खीर के लिए। अच्छा अच्छा, आजकल यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, देख सकते हैं यहाँ टैंकी है, तो यहाँ जाते हैं पानी लेने। पहले तो था नहीं, वो नीचे नौले से लेके आते थे, और यहाँ पे वॉशरूम भी है, सारी सुविधाएं हैं आजकल मंदिर में। तो गुरुजी बन गई आपकी खीर? हो गई रेडी? गुड, गजब ही बना दिया आपने तो। अब गुरुजी ने कर दी रेडी खीर। गुरुजी आप ये कब से जानते हो ये बनाना इतना? आप आपकी खीर हमने पिछले बार भी खाई थी, काफी टेस्टी हुई थी। अच्छा अच्छा, अभ्यास जरूरी है। अभी चल रहा है पूजा, चल स्टार्ट हो चुकी है और बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं घर को जाने की, और जैसे ही पूजा कंप्लीट होगी सभी लोग घर को जाएंगे, प्रसाद बटेगा, भूख लगेगा। अभी गुरुजी आप लोगों का यहाँ का रूटीन क्या क्या रहता था? सुबह 4 बजे लगभग उठ जाते थे हम लोग, अपने बिस्तरों से निकल जाते थे, वही नित्य कर्म, फ्रेश होना, अपना नहाना धोना, उसके बाद आगे चाय पीना, पीती थोड़ी काली मिर्ची की, अदरक डाल के, उसके बाद सफाई वफाई अपने परिसर की, पूरे मंदिर परिसर में आगे पीछे। अच्छा, रोज रोज का काम था। अच्छा, और हमारा भाई पूरा पानी का पूरा काम। अच्छा, मनीष ने वो रहा नंगे पांव पूरे 9 दिन तक, पूरे 10 दिन तक पूरा पानी छा रहा था। अच्छा मनीष, हमारे भूगू है, हमारे इतने 70 से ऊपर ही प्लस हैं भूगू हमारे, इन्होंने इनका काफ़ी सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, जिस वजह से हमें 9-10 दिन कैसे यहाँ पे गुजरे हमें पता नहीं चला। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा हमारे जना है जनरदा है, इनका भी काफ़ी हमें हर बात पे, हर समय, हर चीज़ पे घड़ी घड़ी सहयोग प्राप्त हुआ। अच्छा, फिर दिन का क्या रहता था आपका? दिन में फिर हमारा वही खाने की तैयारी, भोग लगाने की, भगवान को सबसे पहले खीर का प्रसाद, खीर बनती थी। अच्छा, रोज बनती थी खीर? हाँ, गांव से दूध लाता था भाई। अच्छा, हमारे एक नाती और है वो। अच्छा, लक्की। हाँ, वो भी काफी सहयोग करा बच्चों ने भी यहाँ में। अच्छा, सब्जी आती थी गांव से, उसको फिर सब्जी वब्जी काटी हमने, फिर बनाना, फिर चावल बनाना। तो भक्तगण भी आते रहते होंगे? हाँ, काफी संख्या में आते जाते रहते। अच्छा, दूर दूर से भी ना? अच्छा अच्छा, और शाम का क्या रहता था? फिर शाम को फिर लगभग हम 3-3:30 बजे लगभग भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद फिर हमारा खाने सभी भक्तगण खाना प्रसाद बढ़ता था यहाँ पे, उसके बाद फिर हमने बर्तन वर्तन अपने सफाई वफाई करी, फिर वही शाम के लिए फिर और यहाँ पे सफाई करी, फिर शाम को फिर भजन मंडली, फिर उसकी तैयारी, शाम की आरती। अच्छा, तो आरती कितने बजे होती थी शाम को? आरती लगभग हम कर लेते थे 7-7:30 बजे लगभग, हमारा रोज का नियम था 7:30 बजे आरती। अच्छा अच्छा, अच्छा फिर पूरी रात्रि भर कीर्तन मंडली आती रहती थी इधर उधर से, और अच्छा कीर्तन होता था, रोज होते थे कीर्तन भी? हाँ, लगभग रोज होते थे। अच्छा अच्छा, काफी भक्तगण आते होंगे। फिर रात भर जगे रहना हुआ? हाँ, रात में ठीक है, कभी जो जग सकता रात भर जगते रहे, किसी को बुजुर्ग भी है, कई चीजें हैं। हाँ, लिपि है, 9 दिन तक यही टाइम खाना खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलो फिर भोग की तैयारी हो गई, आप लोग तैयारी करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भोग लगने लग गया है, अंदर जाने लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। We'll be right back.
चीज डाल दिया आपने, लग गया भोग? हाँ भोग लग गया। अच्छा आपने एकदम फिक्स बना दिया एकदम ठीक है। जी आपको कैसा लगा फिर यहाँ इतने दिन रह के? अरे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। हमारे कुमाऊं के केदार हैं यहाँ पर, कुमाऊं के केदार, कुमाऊं की केदार की भूमि है। इतनी सुख शांत एकांत, यहाँ आनंद आ रहा है। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा है। आज थोड़ा उदास होने वाला है। 9 दिन आप बैठे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत आनंद आ रहा है जी। छोड़ पूजा पाठ हो चुकी है, हवन और गोदान भी हो चुका है, तो सब लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है और साफ सफाई करने लग गए हैं। अब तैयारी करते हैं घर जाने की, और यहाँ पे तैयार कर दिया है लोगों ने भी ढोल दमुआ अपने। बोलो इष्टदेव कासिन की, इष्टदेव कासिन की। लोग भी रेडी हो गए अपना बैग तैयार करके, हो गई भी तैयारी, हो गई। जय हो कासिम दीप्ता, जय हो। अच्छा तो मिलते हैं फिर, बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, तैयार हो सबके लिए चलते फिर। हाँ ओके ओके। ठीक है गुरु जी। हो गए भी तैयार, सब कुछ क्लोज कर दिया, चले अब। लोग भी चले गए हैं, बाय बाय। ठीक है ठीक है, फिर मिलते हैं गुरु जी। ठीक है गुरु जी, हाँ गुरु जी, ठीक है गुरु जी। तो यार पूजा कंप्लीट हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं अब, और देख सकते हैं सब लोग तैयार हो गए हैं। बाकी लोग नीचे को चले गए हैं जो यहाँ से नीचे को जाते हैं, और आज का ब्लॉग हम भी यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग बताएं कैसा लगा आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यार यहाँ पे सांप आया है, देख सकते हैं आप लोग मंदिर में, काफी बड़ा सांप है, बहुत लंबा सांप है। वीडियो बना एक फोटो ले लेते हैं, लंबा तो नहीं होता, बहुत लंबा करें, बहुत लंबा है, बहुत झरेड़ा होता है नाक के बाद। अरे वो खुद ही चले जाएगा यार, रुक जाओ। अरे तो आ जाएगा फिर वहाँ से बाहर, घोर बाहर कहाँ से जाएगा, इधर लकड़ी से इधर कर दो यार। अरे रुको तो ही, ना बनाओ तो, रुक जाओ ना एक मिनट। अरे रुको, वो जा कहाँ रहा है, सीधे देखो ना कहाँ जा रहा है वो, तो लाइट छोड़ लगो, तो छोड़ दे पछिल को। अरे जगह नहीं मिलेगी तो बाहर ही तो रहेगा, पूछा ना यार कहाँ जा रही हूँ। सब रही चलो आने दो, उसको देख लेते हैं क्या है, क्या है, किस रूप में है। हाँ फिर आप भी बिल्कुल समझदार है ना, ये करें थे भयंकर साहब है, बहुत भयंकर साहब है। कितना तो नानू तो भी हो, अरे नहीं समझ में नानू भी हो, कितनी लंबी हाइट है उसकी। ये सर जी नाक के बाद दूसरा नंबर इसी का है, नाक से भी अधिक झगड़ा बताते हैं उसमें, उसी भी तगड़ा है। पछिल को ना हमले बना लियो सर, पछिल को देखो, मैं तो मार देता हूं, लंबी तरफ से मार के तो लग गया। जय हो, जय हो।
हमारे यानी यानी चीज हम तो इधर आपके दरबार में आए हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े पास में नहीं होने चाहिए। आया कहाँ से होगा ये? इधर लटक रहा था ये। अब पीछे को आ जाओ, बाहर को आ रहा तो आप दे दो। दूर दूर से देखो, मैं तो स्टेशन का था, मुझे तो मत दे। लाइट मत लगाओ ना, साफ आएगा। नहीं नहीं, अरे रहने दो, एक बार घूमने दो ना। मैं आपके इसमें देख रहा हूँ, अब लाइट लगाओ। चलो देवी की मुझे ले गया, पर पारा वो नहीं गयो तेरे सोनू को पूजा दिया मैं मुंडो बड़े ली था एको जे उले पत्ता है यार जा खोजम रे ले ब्याह आओ आने दो आने दो आ रहा है ना एक बार सब चेकिंग हो रहे हो उधर तक तरफ बड़े ली तुम उस साइड जा उसे ये साइड बड़े निकाल दो आ रहा आ रहा ये माता आज के दिन नहीं सी जा खोजम रे ना मिलो मैंने रहो जो है ना, कैमरा है ना? मैं तो इसको नजदीक इसे पकड़ भी मेरे हाथ डबली है ना। अच्छा, अब मेरा हाथ था बढ़िया से पूरा। इसको तो मैं तो यही पहुंचा दूंगा, ये ये आ गया अंदर। कहाँ पर है ये? ले चाहिए हो ये चाहिए? ये मैं चाह कैमरा में चाहे यार, देखिए चलो मतलब बहुत डर लगता है यार। ये देखो ना मेरे हिसाब से करता हो तो करता हो मैं तो हमारे आस पास बहुत चंद अब घर में आएंगे ये वाला नहीं मारेंगे ये मारेंगे कौन है नवरात्र में आपको पाप कौन हुआ